हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सुनेंगे शिव महापुराण श्री रुद्र संहिता पंचम खंड का 43वां अध्याय, हिरण्यकश्यपु की तपस्या और नरसिंह द्वारा उसका वध। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, वाराह रूपधारी श्री हरि विष्णु द्वारा अपने भाई हिरणाक्ष का संहार किए जाने से हिरण्यकश्यपु बहुत दुखी और क्रोधित हो उठा। अतः उसने अपनी असुर सेना और देवताओं का संहार करने की आज्ञा दी और अपनी विष्णु भक्त प्रजा को भी दंड देने के लिए कहा। तब आज्ञा पाकर स्वामी भक्त असुरों ने देवलोक का विनाश कर दिया। उनके आतंक से देवता स्वर्ग छोड़कर भाग खड़े हुए। हिरण्यकश्यपु के राज्य में उसकी प्रजा को बहुत डराया जाता था। सबने भक्ति का मार्ग छोड़ दिया था, विष्णु भक्तों की खैर नहीं थी। एक दिन हिरण्यकश्यपु अपने मृत भाई हिरणाक्ष को जलांजलि देकर उनकी स्त्री और बच्चे से मिलने और उन्हें सांत्वना देने गए। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के मन में विचार आया कि यदि मैं अजर अमर अजय हो जाऊं और मेरा कोई प्रतिद्वंदी ना रहे तो कोई भी मुझे हरा नहीं सकेगा और तब सभी मुझे झुककर प्रणाम करेंगे। यह सोचते ही हिरण्यकश्यपु मंदराचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या करने लगा। तपस्या हेतु वह एक पैर के अंगूठे पर खड़ा था। सिर के ऊपर दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखते हुए वह घोर तपस्या कर रहा था। इधर जब हिरण्यकश्यपु तपस्या में लीन था तो देवताओं ने असुरों से अपना राज्य छीन लिया। वे आनंद पूर्वक अपना राज्य करने लगे। हिरण्यकश्यपु की तपस्या का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। उसके तप से अग्नि से देवता तप्त हो उठे और भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब सब देवताओं ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने बताया कि हे प्रभु, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की तपस्या के तेज से सब लोग भयभीत हो रहे हैं, आप कृपा करके हमें भक्ति मुक्ति दिलाइए। सब देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु को वर देने के लिए उस स्थान पर गए जहां पर वह तपस्या कर रहा था। वहां जाकर उन्होंने हिरण्यकश्यपु से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मांग सकते हो, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूँगा। ब्रह्मा जी के ये शुभ वचन सुनकर हिरण्यकश्यपु ने आंखें खोल दी और हाथ जोड़कर सामने खड़े ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात वह बोला, हे प्रजापति, हे पितामह, मैं चाहता हूँ कि मुझे कभी भी मृत्यु का भय ना हो। मैं किसी अस्त्र शस्त्र पाश वज्र सूखे पेड़ पर्वत जल अग्नि से ना मरूं। देवता दैत्य मुनि सिद्धवर अथवा सृष्टि की किसी भी रचना मेरा वध ना कर सके। दिन रात स्वर्ग नरक पृथ्वी पाताल अंदर बाहर कहीं भी किसी भी समय मेरी मृत्यु ना हो सके। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होते हुए तथास्तु कह दिया, तुम्हें तुम्हारी अभिष्ट फलों की अवश्य प्राप्ति होगी। जो वरदान तुमने मांगा है वह अवश्य फलीभूत होगा। तुमने 96,000 वर्ष तक तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है, अब तुम सुखपूर्वक राज्य करो। अपने इच्छित वरदान प्राप्त करके दैत्यराज हिरण्यकश्यपु बहुत प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यपु अपने घर वापस चला गया। वहाँ पहुँचकर उसके मन में यह विचार आया कि अब मैं अमर हो गया हूँ, अब कोई भी मुझे नहीं मार सकता, इसलिए अब मुझे अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। यह विचार मन में आते ही उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित करने का निर्णय किया। उसने देवताओं से भयंकर संग्राम किया और उन्हें हराकर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। देवता अपने प्राणों की रक्षा हेतु वहां से भाग खड़े हुए और भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। भगवान श्री हरि के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और उनसे अपनी पीड़ा और कष्टों को दूर करने की प्रार्थना की। तब विष्णु जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं हिरण्यकश्यपु का वध करके उन्हें उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाएंगे। भगवान विष्णु के आश्वासन पर देवता उन्हें धन्यवाद देकर वैकुंठ लोक के वापस चले गए। वे अपनी रक्षा के लिए अलग अलग जगहों पर निवास करने लगे। उधर श्री हरि विष्णु ने देवताओं को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाने हेतु दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का संहार करने का निश्चय किया, परंतु ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान को भी उन्हें पूरा करना। तब विष्णु जी ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा मनुष्य के साथ जैसा था,
आधा शेर जैसा अत्यंत भयानक रूप धारण कर विष्णु जी अग्नि के समान प्रलयंकारी नजर आ रहे थे। नरसिंह के रूप में श्री हरि ने दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की नगरी में प्रवेश किया। उस समय सूर्यास्त का समय हो रहा था। उनका यह अनोखा भयानक रूप देखकर दैत्य सेना के वीर उन पर टूट पड़े और उनसे युद्ध करने लगे। तब पल भर में ही उन्होंने सब दैत्यों को मार गिराया और राजमहल की ओर चल दिए। तब विष्णु जी के परम भक्त और दैत्य राज हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद की दृष्टि नरसिंह भगवान पर पड़ी। प्रहलाद बोला, हे पिताजी, ये अद्भुत रूप धारण किए नरसिंह अवतार मुझे तो भगवान जान पड़ते हैं। इनकी वीरता की प्रशंसा करने तो असंभव है, अतः आपको इनके शरण में चला जाना चाहिए। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को बहुत क्रोध आ गया। वह बोला, पुत्र, तुम बिना कारण ही भयभीत हो रहे हो। तुम दैत्यों के अधिपति के पुत्र हो, तुम्हें इस प्रकार कायरता भरी बातें कदापि नहीं करनी चाहिए। यह कहकर हिरण्यकश्यपु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि शीघ्र जाकर विचित्र आकृति वाले उस जीव को बंदी बनाकर ले आओ। अपने स्वामी दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की आज्ञा पाकर उनके वीर दैत्यगण नरसिंह भगवान को पकड़ने के लिए दौड़े, परंतु उनके समीप जाते ही वे भस्म हो गए। अब दैत्यराज स्वयं युद्ध करने के लिए अपने अस्त्र शस्त्रों सहित आगे बढ़े। तब भगवान नरसिंह और दैत्यराज हिरण्यकश्यपु में बहुत भयानक युद्ध हुआ, परंतु भगवान नरसिंह के आगे दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की एक न चली। नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को खींचकर अपनी जंघा पर लिटा लिया और उसकी छाती को अपने नाखूनों से छीड़ दिया। उसके प्राण पुखेरु उड़ गए। तभी हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद ने वहां आकर नरसिंह भगवान के चरणों से अपना सिर झुकाकर क्षमा याचना की। भगवान विष्णु ने प्रहलाद को आशीर्वाद देकर हिरण्यकश्यपु का राज्य सौंप दिया। जैसे ही देवताओं को हिरण्यकश्यपु के मारे जाने की सूचना मिली, वे बहुत प्रसन्न होकर नृत्य और श्रीहरि की स्तुति करने लगे। आकाश में मंगल ध्वनि गूंजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु का वध करने के पश्चात प्रहलाद को राज्य सौंपकर भगवान नरसिंह वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने लोकों को चले गए। ओम नमः शिवाय।